लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर अपनी पूरी जान लगा देता है लेकिन फिर भी वो स्काईलॉर्ड को नहीं हरा पाता। और अब स्काईलॉर्ड स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर से कहता है कि तुम्हें जितनी भी शक्तियां दिखानी थी तुम दिखा चुके, और अब मेरी बारी है। और ये कहते ही स्काईलॉर्ड स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर जैसे ही देखता है कि स्काईलॉर्ड उसके ऊपर हमला करने वाला है, वो सीधा अपने चीफ को कहता है कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, मुझे बचाइए। और तभी हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड इससे पहले कि स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर को मार पाता, वहां पर एक और स्वॉर्ड आ जाती है और वो स्वॉर्ड जाके स्काईलॉर्ड को लग जाती है। और अब उस स्वॉर्ड के लगने से स्काईलॉर्ड भी थोड़ी दूर में जाके गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट के चीफ भी आ जाते हैं। और फिर वो आते ही कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं थोड़ा लेट हो गया। जिस पर स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर कहता है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, अब चलो जल्दी से इसे खत्म कर दो। और अब चीफ स्काईलॉर्ड की ओर देखते हुए सोचने लगते हैं कि मेरे ख्याल से मेरे अटैक के कारण ये लड़का बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है, लेकिन मैंने जो अटैक किया था उसे हर कोई इतनी आसानी से सहन नहीं कर सकता। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये लड़का अभी तक मरा नहीं है और ये अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया है। और अब हम देखते हैं स्काईलॉर्ड फिर से किसी तरह खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पे बहुत ही बुरी चोट लग जाती है। और फिर वो उस एल्डर की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये आदमी कॉम्बिनेशन रिलम के दूसरे लेवल पे है। और अब स्काईलॉर्ड अपने मन के भीतर चला जाता है और अपने थ्योरी पावर से बात करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से इस आदमी के अटैक स्पेस और डार्क एलिमेंट के पावर से कंबाइन होकर बना है। और फिर हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड का थ्योरी पावर से कंधे पे लगे चोट को फिर से न्यूट्रलाइज कर रहा होता है और अब स्काईलॉर्ड फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फिर वो चीफ कहता है कि वाओ ये लड़का तो फिर से खड़ा हो गया। और अब चीफ स्काईलॉर्ड से कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा दूसरा अटैक तुम्हें खत्म जरूर कर देगा। और अब इतना कहते ही चीफ अपना दूसरा अटैक स्काईलॉर्ड के ऊपर कर देता है जिसका नाम स्पेस डायरेक्शन होता है। और अब स्काईलॉर्ड भी उसके अटैक को काउंटर करते हुए अपना स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है। और अब इन दोनों के इतने पावरफुल अटैक्स टकराने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी गिरने लगती है जिसके कारण लोगों का देखना भी मुश्किल हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि उन अटैक से टकराने के बाद स्काईलॉर्ड ही पीछे घिसक जाता है। और अब चीफ उससे कहता है कि अच्छा तो तुम अभी अभी कॉम्बिनेशन रिलम पे पहुंचे हो और अब मैं पूरी तरह से समझ गया कि तुम इतने एरोगेंट क्यों हो। और अब ये सुनने के बाद स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है कि अच्छा तो इसी के कारण ये मेरे सारे अटैक्स को झेल पा रहा था। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम अभी अभी कॉम्बिनेशन रिलम पे पहुंचे हो। और फिर वो स्काईलॉर्ड से कहते हैं कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारे सामने जो चीफ खड़े हैं वो आज से कई साल पहले ही कॉम्बिनेशन रिलम को रीच कर चुके थे और उनके पास तुम्हारे जैसे नमूने से निपटने के लिए कई सालों का अनुभव भी है। और अब स्काईलॉर्ड अपने हाथों को झाड़ता हुआ कहता है कि हाँ अब ये इंटरेस्टिंग है। और अब स्काईलॉर्ड भी सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से बस मैं स्काईलॉर्ड की हेल्प से नहीं जीत पाऊंगा। और फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने और कोई भी पावरफुल स्किल की प्रैक्टिस नहीं की है जो इस आदमी को हरा सके, तो अब मेरे ख्याल से समय आ गया है मेरे सुप्रीम लॉर्ड वाली पावर्स को वापस बुलाने का। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड के चारों ओर बहुत सी एनर्जी फील्ड घूमने लगती है। और अब स्काईलॉर्ड एक भारी आवाज में कहता है कि यहाँ पर अब जो होने वाला है उस चीज को तुम लोग बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि सबको अपनी लाइफ में ये मौका नहीं मिलता कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर सके। और अब हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और फिर वो कहता है कि मैं यानी कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड सबको पता है कि सारे लॉर्ड्स में सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ और मैं अपने सबसे इजीएस्ट पाल मूव का यूज करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड के इतना कहते ही जहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड खड़ा था वहाँ पर बहुत सारी पिंक कलर की फायर जलने लगती है और अब ऐसा लगता है कि साओ चैन के बॉडी में सुप्रीम लॉर्ड की भी सारी स्किल और पावर आ गई है। और अब वो चीफ एल्डर कहता है कि हाँ हमने बहुत सारी चीजें महसूस कर ली है, अब चलो इसको खत्म करते हैं। और ये कहते ही वो साओ चैन के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड अपने फिजिकल पावर की मदद से उनके सारे स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं। और फिर वो कहता है कि एक फिजिकल कल्टीवेटर ही इस तरह की स्पिरिचुअल पावर का सामना कर सकता है। और अब ये देखने के बाद वो चीफ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो। और अब ये कहकर वो चीफ बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो एक नंबर के स्टूपिड हो, क्या तुम्हें तब से इस बात का घमंड था कि तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो। और फिर वो आगे सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी ये फिजिकल कल्टीवेटिंग किसी और के ऊपर चल भी सकती थी लेकिन मेरे ऊपर तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि फिजिकल अटैक सिर्फ बॉडी को चोट पहुंचाते हैं ना कि थ्योरी को। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर कॉम्बिनेशन रिलम का वॉरियर क्या कर सकता है। और अब इतना कहते ही वो चीफ सीधे सुप्रीम लॉर्ड के पीछे आ जाता है और अब सुप्रीम लॉर्ड भी अपने पैरों से उनके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो आदमी एक शील्ड बना के अपने आप को बचा लेता है। फिर वो सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि मेरी नेचुरल थ्योरी एयर है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ना ये मेरी केवल डिफेंस में काम आती है बल्कि एक बहुत ही घातक अटैक करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। और फिर वो सुप्रीम लॉर्ड को एक गुस्सा मारते हुए कहता है कि मैं कॉम्बिनेशन रिलम पे पहुंचने के लिए जिस लॉ का पालन किया था वो स्पेस था। और इसके बाद वो फिर से टेलीपोर्ट होकर सुप्रीम लॉर्ड के पीछे चला जाता है और उसे अपने पाल्म से एक और अटैक कर देता है। और फिर वो सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये पावर मेरी थ्योरी के साथ एकदम परफेक्ट मैच करती है और इसी की मदद से मैं स्पेस में कहीं भी और कभी भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और फिर वो चीफ हंसते हुए कहता है कि जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलता रहूंगा। और अब हम देखते हैं कि वो चीफ अलग अलग जगह से टेलीपोर्ट होकर सुप्रीम लॉर्ड को बस पीटते ही जा रहा था। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड को पीटते हुए कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फिजिकल कल्टीवेटर हो गए, तभी तो तुम्हें मारने में मुझे इतना मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ कि तुम मुझे फेस कर रहे हो। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ स्काईलॉर्ड, तुम्हारी सारी घमंड निकल गई। और अब स्काईलॉर्ड को ऐसे पीटता देखकर ब्लू क्लाउड सेट के चीफ और मास्टर को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेट के चीफ बस एक खिलौने की तरह स्काईलॉर्ड को इधर उधर से टेलीपोर्ट होकर मार रहे थे। और अब स्काईलॉर्ड को काफी ज्यादा पीट लेने के बाद वो चीफ उससे पूछता है कि स्काईलॉर्ड क्या हुआ, तुम उसे लड़ क्यों नहीं रहे, तुम एक पावरफुल फिजिकल कल्टीवेटर नहीं हो। और अब काफी ज्यादा मार खाने के बाद स्काईलॉर्ड फिर से खड़ा होता है। और अब हम देखते हैं कि वो चीफ अर्थ लेवल क्लास 8 की स्किल को
यूज कर रहे होते हैं, जिसके कारण आसमान में एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से बहुत से डीमन बीस्ट आ जाते हैं। और अब इस मूव को देखने के बाद डिक्सिलिंग कहता है कि ये मूव तो ब्लैक पावर्स को कंज्यूम कर रहा है। और अब शॉर्ट सेक्ट के डिसाइपल कहते हैं कि हमारे शिप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनकी पावर थियोर्जी और ब्लैक स्पेल से मिलकर बनी है, और स्काईलॉर्ड के पास तो बस फिस्ट और किक्स हैं। तो क्या इस बार स्काईलॉर्ड इस अटैक से बच पाएगा? और तभी हम देखते हैं कि वो सारे इविल डीमन से एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेक्ट का चीप कहता है कि बच्चे मेरा तुमसे मन भर गया, इसलिए अब तुम मरोगे। और फिर वो हंसते हुए उस स्वॉर्ड को सीधे स्काईलॉर्ड के ऊपर गिरा देते हैं, और वो स्वॉर्ड भी जाके सीधे स्काईलॉर्ड के ऊपर गिर जाता है, और थोड़ी देर के लिए माहौल एकदम से शांत हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के ऊपर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी स्ट्राइक गिरती है, जिसके कारण वो स्वॉर्ड एकदम चकनाचूर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड ने बहुत ही आइकॉनिक तरीके से उस अटैक को बस अपनी दो उंगलियों से ही एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर स्काईलॉर्ड उस चीप से कहता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारे पास सच में बहुत सी मिस्टीरियस पावर मौजूद है, लेकिन तुम्हारे ये जादू टोना वाले अटैक मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी तुम एक कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर हो, और तुम्हें तो इस वर्ल्ड के लॉ के बारे में पता होगा ही, तो क्या तुमने उन लॉज को फॉलो किया था? और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि ओल्ड मैन, मैंने तुम्हें इतना मौका दिया कि तुम मुझे मार पाओ, लेकिन तब तुम मुझे हल्के में लेते हुए बस अपने बच्चों वाले अटैक्स को करे जा रहे थे। और अब वो एल्डर अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुमने थंडर स्ट्राइक की भी प्रैक्टिस की है, जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि हाँ, वो मैं थोड़ा लकी था जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था, और मेरी डेस्टिनी थ्योरी इन थंडर पावर्स को भी कंज्यूम कर पाई, वरना बस मैं अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्र की मदद से इसके सामने उस अटैक से तो नहीं बच पाता। और अब ब्लू क्लाउड सेट के डिसाइपल स्काईलॉर्ड की जय जयकारा करने लगते हैं। और अब स्काईलॉर्ड की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर देखने के बाद डिक्सिलिंग भी कहते हैं कि मान गया आपको सीनियर, कोई लॉर्ड ही इस तरह के अटैक्स को डिफेंस कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेट का चीफ और मास्टर आपस में बात कर रहा होता है, जिस पर चीफ कहता है कि भले ही ये लड़का अभी अभी कॉम्बिनेशन रिलम में पहुंचा हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इस लड़के ने मेरे 8 क्लास के आइकॉनिक मूव को बहुत ही आसानी से झेल लिया, और ये स्टील अभी भी खड़ा है बिना कोई दिक्कत के। तब शॉर्ट सेट का मास्टर कहता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए? तब चीफ उसे प्लान बताने लगता है और कहता है कि मैं सारे एल्डर के साथ मिलकर स्काईलॉर्ड के ऊपर हमला करूंगा और उसे चारों तरफ से घेरे रखूंगा, और आप मौका देखते ही पीछे से एल्डर ली के बनाए हुए न्यूली पॉइजन से उसके ऊपर अटैक कर देंगे। जिस पर शॉर्ट सेक्टर मास्टर भी चीफ की बातों पे हामी भरते हुए कहता है कि ठीक है, चलिए इसे करके देखते हैं। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी दूर से ही उन सब की बातों को सुन लेता है और कहता है कि अच्छा, तो इनका प्लान ये है। और फिर वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड था और जब मैं इस वर्ल्ड को डोमिनेट करके इसके ऊपर राज किया करता था, और तब मैंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी और एक से एक एनिमी को देखा था, और वो भले ही मेरे जितना पावरफुल नहीं थे, लेकिन वो जीतने के लिए कभी भी इस तरह की चीप हरकतों को नहीं किया करते थे। तो आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस जनरेशन के बाद और जितने भी जनरेशन आए हैं वो सारे वर्स्ट हैं। और तभी हम देखते हैं कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए चीफ स्काईलॉर्ड के सामने आते हैं और कहते हैं कि चलो फिर से लड़ते हैं, जिस पर स्काईलॉर्ड भी अपने पंच को कसते हुए कहता है कि ठीक है, चलो शुरू किया जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।